बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा के सम्मान अर्पित करते हुए, परमात्मा भगवान वाल्मीकि के चरणों में श्रद्धा के सम्मान अर्पित करते हुए, और बहुजन नायक आदरणीय महेश पारसा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के चरणों में नमन करते हुए, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय रणवीर जंगारा जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे प्रवीण पारसा जी दिल्ली प्रदेश प्रभारी उनके चरणों को नमन करते हुए, हमारे महासचिव उत्तर प्रदेश से महेंद्र वाल्मीकि जी उनके चरणों को स्पर्श करते हुए, जितने भी मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, बुजुर्ग सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। बड़ी खुशी लगी कि आज मुझे दिल्ली के दक्षिणपुरी की इस पावन धरती पर बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सभी से इतनी ही अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा युवा हमारी मातृशक्ति बहन आगे आए, और राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के एकमात्र विकल्प है और आपको पूरा अधिकार देता है, आप उसके साथ में आके अपने समाज और अपने देश प्रदेश के लिए, अपने अधिकारों के लिए जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा युवा पार्टी को समर्थन दें, पार्टी के साथ जुड़े और आगे आए निकलकर। जो देश में अत्याचार दिन प्रतिदिन चल रहा है, बढ़ रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, उन सब चीजों को रोकने के लिए राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी तत्पर है। मैं आप सभी से इतना आग्रह करना चाहूंगा, आपका जो प्यार और सम्मान मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी एकजुट हों और मंथन करके पार्टी के साथ में आए, और बहुजन अधिकार यात्रा जो पूरे दिल्ली प्रदेश में चल रही है जनवरी से, उसको खुद साथ में चल के सफल बनाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय वाल्मीकि।